सुशील कुमार कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे चलते हैं आपको बिहार लेकर चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। को लूटने का काम करेंगे, पद पे रहते हुए जो लोग खजाने को लूटने का काम करेंगे उनको सजा मिलेगी, और तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया वैसा वो भर रहे हैं। लेकिन लालू यादव जी अभी जमानत पर हैं, अस्वस्थ हैं और कई तरह की बीमारियों का भी सामना कर रहे हैं, इन सब के बीच में इसका बिहार में राजनीतिक आउटफॉल क्या होगा? देखिए, राजनीतिक आउटफॉल तो जो ना वो हो चुका है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, 30 साल से मामला चल रहा है और ये 5वां केस है जिसके अंदर इनको सजा हुई है। तो इसलिए देखिए, राजनीतिक फॉलआउट है कि अब तो लालू यादव बिहार की राजनीति में उनका कोई असर नहीं रहा है। 2010 के चुनाव में 22 सीट पर सिमट गए थे, लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 के अंदर कितनी सीट मिली उनको, 2014 में कितनी सीट मिली उनको, तब लालू यादव बिहार की राजनीति का कोई का को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब उनका कोई अस्तित्व तो बिहार की राजनीति में नहीं है। बल्कि के लटका झटका हंसी मजाक कर के वो मीडिया में बने रह सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है उनका प्रभाव खत्म हो चुका है। लोगों ने भी पहचान लिया है कि लालू यादव गरीबों की बात करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबों को ही उन्होंने और लूटने का काम किया है।